दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका पेंडुलम एडीयू में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, ये हमारी सीरीज है आपकी आरआरपी एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्वांट सेक्शन की सॉल्यूशन सीरीज है, जिसमें हम आपको पेपर का क्वांट का सॉल्यूशन बताते हैं कि क्या तरीका होना चाहिए आपका एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिससे आप बहुत ही कम समय में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ और ऑप्शन की मदद से कैसे आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं 30 मार्च 2016 का शिफ्ट वन का क्वेश्चन पेपर, और इसमें देखेंगे कि आपसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका क्या तरीका होना चाहिए था सबसे बेस्ट सॉल्यूशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज़ को और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को क्या पूछा गया था। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आपसे पूछा गया है कि एस एंड टी कैन फिनिश अ वर्क इन 50 डेज, यानी कि दोनों मिलकर 50 दिन में काम खत्म करते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज एंड देन लेफ्ट, यानी कि 20 दिन काम करते हैं साथ और फिर काम छोड़ के चले जाते हैं। How much of the work is left, यानी कि कितना काम का हिस्सा आपका बचा हुआ है। अब देखिए आपको यहाँ पर दोनों चीज़ गिवन है, आपको 50 दिन में करते हैं दोनों मिलके, और 50 में से आपको पता है 20 दिन काम कर चुके हैं, तो 20 दिन काम कर चुके हैं तो बचे कितने दिन का काम है। 50 दिन में करते थे तो 30 दिन का काम बच गया, तो आप कह सकते थे कि 30 दिन का काम अभी भी शेष बचा हुआ है। तो 30 दिन का अगर शेष बचा हुआ तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से कि कितना 3/5 काम आपका बचा हुआ है। तो डायरेक्ट यहाँ पर क्योंकि हमें कंबाइंड दिया हुआ है, तो अगर इसे ऐसा कह सकते हैं कि 50 दिन में अगर 50 काम करते हैं तो 20 दिन में कितना काम कर लिया उन्होंने 20, तो बचा कितना काम 30 काम बचा आपका, और 50 काम टोटल था तो लेफ्ट बचा आपका 30/3/5 काम। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्या पूछा गया था इसमें कि फाइंड द फैक्टर ऑफ x² + x - 42, यानी कि इसका आपको इक्वेशन का क्या फैक्टर पूछे गए थे, गुणनखंड क्या होंगे। तो देखिए ऐसे केस में आपको क्या करना है, देखते ही आपको सॉल्व नहीं करना है इस इक्वेशन को प्लस एक्स और माइनस 42। अब आपको पता है कि 42 को आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस क्या है, एक आए, क्योंकि यहाँ पे x का जो कोफिशेंट है वो कितना है, एक है। तो आपको पता है ऐसे फैक्टर हो सकते हैं 7 और 6, तो आपको पता है यहाँ पे माइनस है, तो एक फैक्टर इसका प्लस का होगा, एक फैक्टर इसका माइनस का होगा, यानी कि एक तो x प्लस में होगा और एक x माइनस में होगा। तो आपको पता है डिफरेंस किन का देखना है आपको, एक 7 और 6 का। तो डिफरेंस कैसे करेंगे, 7 - 6, तो जिसके साथ प्लस है उसके साथ प्लस आएगा, जिसके साथ माइनस है उसके साथ माइनस आएगा, यानी कि x प्लस 7 इसका एक फैक्टर और एक x - 6 इसका फैक्टर। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको देखते ही सॉल्व करना है कि क्या आपके इनके फैक्टर का जो साइन हो सकता है वो क्या होगा, प्लस होगा माइनस किसके साथ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसमें आपसे क्या पूछा गया था कि द मीन ऑफ द डाटा 1, 2, 10, 18, 3, 17 एंड 19 इज, यानी कि मीन पूछा है आपसे, यानी कि एक तरीके से औसत पूछा है, औसत क्या होगा। तो औसत का आपको पता है, ये डाटा आपका सिंपल दिया हुआ है बिल्कुल, तो सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। क्या क्या दिया है, 18, 3, 17 और 19। ऐसे क्वेश्चंस को आपको पेपर में देखना है और सीधा सीधा करना है कि क्या क्या आप बना सकते हो। तो 17 और 3 20 हो जाएगा, 19 और 1 20 ये हो जाएगा, 18 और 2 20 ये हो जाएगा। तो 20 + 60 और 10 70, और टोटल कितने हैं आपके, टोटल 7 हैं, तो इनका मीन कितना आ गया, 10, और ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे अगर इस टाइप से सिंपल आपको क्वेश्चन आता है तो आप सीधा डायरेक्ट ऐड करेंगे और सीधा जितनी संख्याएं होंगी उससे डिवाइड करके आप अपना मीन निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या पूछा गया था कि द मोड एंड द मीडियन ऑफ द डाटा, आपको डाटा दिया गया है, इसका आपको बताना था मोड और मीडियन, यानी कि मोड का मतलब क्या बहुलक और मीडियन का मतलब माध्यिका बताना था आपको। तो देखिए सबसे पहले आपसे मोड पूछा गया, तो आपका ऑप्शन में क्या होगा, मोड होगा। और अगर ऑप्शन देखो, क्योंकि ऑप्शन देखना भी ज़रूरी होता है क्वेश्चन के लिए, ताकि आप अपने सॉल्यूशन निकालने में टाइम को बचा सकें। तो देखिए सबका मोड अलग अलग है, तो आप अगर यहाँ से इस डाटा का मोड देखें तो मोड क्या होता है, बहुलक, मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो आपको 8 ही ऐसी एक संख्या दिखाई दे रही है जो सबसे ज़्यादा बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, क्योंकि 8 यहाँ पे आपका कितनी बार है, 4 बार है। तो आपका मोड कितना हो गया, 8, और 8 आपका मोड सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। तो यही आपका आंसर करेक्ट हो जाता, आगे आपको जो है मीडियन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मीडियन निकालनी है तो कैसे करना है, आपको संख्याओं को पहले आपको बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो पहले 6, 6, 6, फिर 7, 7, और फिर ये 8 है 4 बार।
तो मीडियन क्या होगी इसकी, बीच की संख्या। बीच की संख्या क्या होगी, टोटल 9 है ये, तो 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 इधर छोड़ दीजिए, बीच की संख्या क्या आ गई 7, और ये आपका मीडियन, इसकी मीडियन हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, 8 मोड है इसका और 7 इसकी मीडियन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। इसमें पूछा गया था आपसे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ डायगोनल इफ़ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 168 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द ब्रेथ इज 7 सेंटीमीटर। यानी कि आपको दो चीज़ गिवन है, तीसरी चीज़ आपसे पूछी है क्या होगा। तो ये आपका रेक्टेंगल है, इसका आपको क्या दिया है, ब्रेथ दी है कितनी 7 है, और आपको इसका एरिया दिया गया है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब बताइए डायगोनल आपको निकालना है, यानी कि ये वाली आपको निकालनी है। तो आपको पता है कि ये अगर डायगोनल निकालना है तो ये क्या है, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। तो आपको पता है यहाँ पे ट्रिपलेट बनेगा, और आपको पता है ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, आप एरिया को ब्रेड से डिवाइड करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ए इंटू बी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपको दी गई है कितनी 7, 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो इसे कितना आ जाएगा 24, 24 सेंटीमीटर आपकी कितनी आ गई, इसकी लेंथ आ गई। आपको पता है ट्रिपलेट होता है 7, 24 और 25। तो अगर ट्रिपलेट याद हैं तो ये क्वेश्चन क्या है, सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन था आपका, और ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगना था। अगर ट्रिपलेट याद नहीं है फिर आप उसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसमें आपसे पूछा गया था द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना इज ₹5, यानी कि 1 डजन बनाना की आपको कॉस्ट दी है ₹5। द कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस इज ₹75, यानी कि 1 दर्जन आपको ऑरेंजेस की भी दे दी गई 75। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 एंड 1/4 डजन बनाना, यानी कि 1 दर्जन और साथ में 1/4 पार्ट भी, एंड 3/4 डजन ऑफ ऑरेंजेस की आपको कॉस्ट बतानी है कितनी होगी। तो देखिए सीधा सीधा सा क्वेश्चन था आपको, 1 दर्जन बनाना की आपको कीमत कितनी दी गई थी ₹5, और 1 दर्जन जो ऑरेंज है ये बनाना है और ये ऑरेंज है, इसकी कीमत आपको दी है ₹75। आपको निकालना किसकी है, 1 एंड 1/4, यानी कि 1/4, इसका मतलब 5/4 दर्जन तो आपको बनाना निकालने हैं, और 3/4 आपको डजन क्या ऑरेंज निकालने, इनकी कीमत आपको टोटल बतानी है कितनी हो जाएगी। तो देखिए अगर 1 दर्जन की कीमत कितनी है ₹5 है, तो 5/4 दर्जन की कितनी हो जाएगी, आप यहीं पे गुणा कर लीजिए, कितना 25/4 हो जाएगी। ऐसे ही 3/4 दर्जन की कितनी हो जाएगी, जब 1 दर्जन की 75 है तो 3/4 दर्जन की मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 दिया कितने हो जाएंगे 225 और 4, इन दोनों को ऐड करेंगे, नीचे सेम चीज़ है तो 225 और 25 250 हो जाएगा, 250/4, इसका मतलब कितना हो गया भाई, 4 6 24, 1 10 2 और 4 5 20, ₹62.5 आपकी क्या हो जाएगी, इसकी कीमत हो जाएगी टोटल कॉस्ट। अब देखिए ये आपका ऑप्शन जो है आपका 62.5 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया था, इसलिए इस क्वेश्चन में क्या थी, डिस्क्रिपेंसी थी, और ये क्वेश्चन सभी के लिए नेगलेक्ट कर दिया गया था। तो ऐसा भी हो जाता है कि कई बार ऑप्शन डालने में गलती हो जाती है, तो आप क्वेश्चन को आप अपनी तरफ से सही करके आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें आपसे पूछा गया था कि अ शॉपकीपर परचेज 10 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल कंटेनिंग 10 पेंसिल ईच एट ₹100 पर बॉक्स, यानी कि 10 पेंसिल वाला एक डिब्बा है आपका बॉक्स, उसको कितने ₹100 प्रति डिब्बे के हिसाब से खरीदता है, एंड सोल्ड ईच पेंसिल एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, यानी कि और हर पेंसिल को क्या करता है 12% के प्रॉफिट पे बेचता है। तो व्हाट इज़ द टोटल सेल प्राइस, तो टोटल सेल आपसे प्राइस पूछा है क्या होगा। भाई देखिए एक पेंसिल पे अगर 12% कमा रहा है तो सभी पेंसिल पे क्या कमाएगा 12, तो मुझे यहाँ एक पेंसिल की कीमत निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा करना है जो बॉक्स की कीमत हो जाएगी, भाई कितने बॉक्स खरीदता है वो 10, और हर एक की कीमत कितनी है 100, तो टोटल क्या हो जाएगा ₹1000 के आपके बॉक्स हो जाएंगे। अब उसके अंदर चाहे जितने भी पेंसिल हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी कॉस्ट जो भी आएगी टोटल पे 12% आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तो इसका 12% कितना होगा ₹120, और यही आपको जोड़ना है कितना हो जाएगा ₹1120, और यही आपका था इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये तो सीधा आप जो है मेंटली क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को।
तो ये है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। इसमें आपसे पूछा गया था इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स क्या है, अंकों का योग 9 है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इन 10th प्लेस, यानी कि दहाई के अंक पे जो है स्थान, दहाई के अंक पे जो अंक है, एंड यूनिट प्लेस और जो इकाई का अंक है उसका अंतर आपको दिया गया है 1, तो आपको बताना है देन द 2-डिजिट नंबर इज, तो 2-डिजिट अंक आपको बताना है वो नंबर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन से डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि जो दहाई के अंक पे जो अंक दिया गया है उसमें से आपको इकाई का अंक घटाना है और उसका डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ आपका एक ही है और वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। बाकी में देखेंगे आप पहले में अगर डिफरेंस करेंगे तो -1 आएगा, तो वो ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। बाकी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, सी करेक्ट आ जाएगा, बाकी में डिफरेंस आपका वैसे ही ज़्यादा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या पूछा गया था। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट ऑफ ऑल, यानी कि इनमें से सबसे छोटा कौन है ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि आपको जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो बहुत सिंपल हैं, तो आप बता सकते हो पहला जो आपका ऑप्शन है 0.5 है और दूसरा ऑप्शन है 1/0.5। अगर 0.5 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब अगले वाला जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0.5 की तो कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा, तो 0.25। और लास्ट में अगर 0.5 की 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 आएगा। यहाँ से तो सीधे सीधे दिख रहा है कि मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 0.25 ही है जो सबसे छोटा यहाँ पे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। आपसे पूछा गया कि फाइंड द लीस्ट नंबर टू बी एडिड टू 1739 सो दैट इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11, यानी कि 1739 में आपको छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़नी है कि वो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो देखिए 11 से डिविजिबल का रूल आपको पता होना चाहिए। क्या कहता है 11 से डिविजिबल का रूल, कि सम स्थानों पर आए अंकों का योग और विषम स्थानों पर आए अंकों के योग का अंतर जो है या तो 0 हो या 11 से डिविजिबल हो, यानी कि इवन प्लेस पे और ओड प्लेस पे। तो 1, 7, 3, 9, ये यहाँ पे ओड प्लेस कौन कौन से हैं, 7 और 9 कितना हो गया 16, और इवन पे कौन कौन है, सम स्थान पे 4, तो इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 से डिविजिबल। तो 16 में से 4 जाएंगे तो आपको 12 मिलेगा, और 12 आपका ना तो 0 है ना 11 से डिविजिबल है, तो आपको कुछ तो ऐड करना पड़ेगा ताकि ये आपका कट जाए। अब देखिए आपका इवन पे कितना हो रहा है, 3 और 1, 4 हो रहा है, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे 5 हो जाए तो 16 में से 5 जाएंगे तो सीधा सीधा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यानी कि आपको यहाँ पे दहाई के अंक में 1 जोड़ना चाहिए जिससे कि आपको ये 11 से पूरा डिविजिबल हो जाए। और ऐसी संख्या क्या है जहाँ पे आप दहाई के अंक में 1 जोड़ सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट होगा, या फिर सीधा सीधा ऑप्शन से उठा के ऐड करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपका कौन सा ऐसा ऑप्शन है इनमें से, ये आपको बताना था। तो देखिए आपको पता है यहाँ पे चीज़ें आपको कैसे कैसे दी गई हैं, 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है और 1/2 है। तो आपको पता है सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपको इनके अंश और हर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस देखना है कितना है, 1 यहाँ पे भी, 1 यहाँ पे भी, 1 यहाँ पे भी, 1। तो जब भी आपको सेम डिफरेंस मिलता है तो जो सबसे छोटा फ्रैक्शन होता है वो सबसे छोटा और जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है वो सबसे बड़ा हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये सबसे छोटा होगा और 4/5 सबसे बड़ा होगा, तो इसी क्रम में बढ़ते चलाए जाएंगे। तो 1/2, फिर उसके बाद 2/3, फिर 3/4 और 4/5। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा है जिसमें ये क्रम में आपको दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन तो मेंटली आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं जिनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेकंड का टाइम लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें पूछा गया था आपसे कि 1.1 + 12.12 + 123.123 का आपको बताना है वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप, अगर आपको पता है कि सारे ऑप्शन, एक बार ऑप्शन पर नज़र डालिए, ऑप्शन दिख रहे हैं आपको सारे के सारे अलग अलग के हैं, अगर सेम होते तो मुझे सारी संख्याओं को ऐड करने की ज़रूरत पड़ती, अदरवाइज सारी संख्याओं को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा आप क्या ऐड करें, जो इंटीजर पार्ट है तो पॉइंट के इधर वाली संख्या आप ऐड कर लीजिए जो लेफ्ट साइड में है, तो 12 और 1 13, 13 और 23 करेंगे तो 136 होगा। तो 136 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आना है, तो सीधा सीधा 136 किस में आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर
डी में, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम बचाना है और तरीका आपको बढ़िया से बढ़िया यूज़ करना है, क्यों, क्योंकि आप तभी जो है अपने टाइम को बचा पाएंगे एग्ज़ाम में। चलिए आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। क्या पूछा था कि इफ़ द वैल्यू ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू 30 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो आपको थीटा की वैल्यू दी गई है, तो टेन थीटा की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। टेन 30 का मान कितना होता है भाई, 1/√3 होता है, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। और प्लस क्या करना है आपको, कोट 30 इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी कि जो 10/60 की वैल्यू होगी तो आपको पता है कितनी होती है, कोट 30 की वैल्यू 3 होती है, √3 होती है, क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो मैं डायरेक्ट 3 लिख देता हूँ। तो आपको 1/3 + 3 करना है, तो कितना हो जाएगा, 3 * 9 = 10/3। यही था आपका इस क्वेश्चन का आंसर, और वैल्यूज़ याद हैं तो ईजिली जो है मेंटली भी सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसमें पूछा गया था आपसे कि अ पॉलीगन हैज़ 9 साइड्स, यानी कि एक पॉलीगन है आपका, उसकी 9 भुजाएं हैं, तो व्हाट इज़ द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल की आपसे वैल्यू पूछी गई थी। तो ये तो सिर्फ सीधा सीधा आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो आपको पता है इंटीरियर एंगल का अगर फॉर्मूला है इंटीरियर एंगल, तो कितना हो जाएगा आपका, ये होता है आपका n-2 × 180 और डिवाइड बाई n, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीरियर एंगल निकालने का, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि भुजाओं की संख्या है। तो n कितना दिया गया आपको, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 × 180 और डिवाइड बाई संख्या कितनी है भुजाओं की, 9, तो 9 × 2 = 18 और 7 × 2 कितना हो गया, 14, यानी कि 140 डिग्री क्या हो जाएगा आपका सीधा सीधा आंसर। तो ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसमें पूछा गया था आपसे कि आपको 125 − 73 + 48 − 137 + 99 = क्या होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि आप अपने ऑप्शन देखें एक बार, अगर ऑप्शन में आपको यूनिट डिजिट सेम दिखाई देता है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज यूनिट डिजिट अगर अलग अलग हैं तो सिर्फ आप यूनिट डिजिट को सॉल्व करके ही अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट 2 का 7 है और 2 का 2 है, यानी कि सेम है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो देखिए जैसे आप ऐड करते हैं तो 137 और 73 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 210 आ जाएगा माइनस का, और साथ में आपको 125 और 99 को करते हैं तो 224 आएगा कितने का, प्लस का। तो यहीं पे आपको दिख गया डिफरेंस कितना आ गया आपका, 14 का डिफरेंस आ गया यहाँ पे, तो 14 क्या है, प्लस का, और 48 में अगर 14 जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, और यही आपका आंसर था इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो बस तब आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है जब आपका यूनिट डिजिट सेम होता है ऑप्शंस में। चलिए आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और इसमें क्या है, आपको एक फिगर दिया गया है और फिगर को कहा गया है कि इफ़ LMN एंड UVW आर सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि दोनों क्या हैं आपके, समरूप त्रिभुज हैं, तो द वैल्यू ऑफ साइड S आपसे, साइड S की वैल्यू, भुजा S की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो देखिए जब भी आपके समरूप त्रिभुज सिमिलर आपको ट्रायंगल दे दिया गया तो आपको पता है उसी सेम टू सेम साइड की भुजाओं का जो रेशो होता है वो सेम रहता है। तो आप कह सकते हैं कि जो यूवी है साइड आपकी कितनी है, 28, इसके बटे सेम इसी साइड वाली जो आपका ट्रायंगल होगा, क्योंकि आपको दिया गया है एल एम और एन और यू वी और डब्ल्यू, तो जहाँ पे जो भी साइड होगी, मैंने क्या ली, वी डब्ल्यू, तो वी डब्ल्यू देखिए कौन सी है, लास्ट वाली, तो एम एन होगा, तो एम एन कौन सी है, 7 है। ऐसे ही मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे यू वी दी गई है, तो यू वी की वैल्यू कौन सी है, पहले वाली, तो यहाँ पे एल एम होगा, तो यू वी कितनी दी गई है आपको, 32, और एल एम कितनी है, एस, तो बस यही निकालना है आपको। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे आप साइड ले रहे हो कि वी डब्ल्यू लिया है, तो सेम टू सेम इसके क्या होगी, एम एन, इनका रेशो बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखना है आपको, तो 7 × 28 = 4 से 8, यानी कि एस की वैल्यू आ गई आपकी 8, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को।
तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें क्या पूछा गया था आपसे कि फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 280 एंड 144। यानी कि आपसे सिंपल सी बात कहूँ तो आपसे महत्तम समापवर्तक पूछा गया, यानी कि HCF आपसे पूछा गया क्या होगा। तो देखिए ऐसे में आप जो है एक बार ऑप्शन पर नज़र डाल लिया कीजिए, क्योंकि जो LCM और HCF के क्वेश्चन होते हैं मोस्टली जो होते हैं वो आपके ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं। तो देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया आपको, 2, 4, 6, 8 ये तो दिए गए हैं। सबसे पहला आपको ऑप्शन 2 है, तो देखिए आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या निकालनी है आपकी जो इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सके। तो सबसे पहले मैं सबसे बड़े ऑप्शन को लेता हूँ 8, और आपको पता है डिवाइड किसे करना था, 280 और 144 को। भाई 8 से 144 तो सीधा सीधा जाता है, 18 × 8 = 144 होते हैं, ठीक है। अब सीधी सीधी बात करते हैं 280 को, तो 8 × 3 = 24 और 40 बचेगा, 8 × 5 = 40, दोनों संख्याएं कट रही हैं, तो मेरा सीधा सीधा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में जो है आप ऑप्शन से भी अपने क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा था कि 10 dozen एप्पल, 15 dozen मैंगोज एंड 20 dozen ओरेंजेस आर कैप्ट फॉर सेल, यानी कि सेल के लिए रखे गए 1/2, 1/3 एंड 1/4 ऑफ ईच आइटम रेस्पेक्टिवली हैव बीन एडेड। यानी कि सभी में क्या किया गया कि भाई एप्पल में 1/2 ऐड कर दिए, और जो है आपका मैंगोज में कितने 1/3 ऐड कर दिया, और आपका जो ऑरेंजेस है उसमें 1/4 आपका ऐड कर दिया गया। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कैप्ट फॉर सेल नाउ, यानी कि अब बेचने के लिए कितने जो है आपके पास फ्रूट हैं ये बताना है। तो देखिए सीधी सीधी बात करते हैं, 10 dozen एप्पल हैं मतलब कितने हैं, 12 × 2 = 120 हैं। उसके बाद 15 dozen मैंगो हैं तो कितने हो गए, 15 × 12 करोगे तो 180 हो जाएगा। अब ऐसे ही आप ऑरेंजेस लेते हो 20 dozen तो कितना हो जाएगा, 240। आपको पता है इसका 1/2 पार्ट आपने क्या किया है, इसमें ऐड किया है। तो इसका मतलब क्या है, 1/2 का क्या मतलब है कि 2 थे पहले और 2 में 1 ऐड कर दिया, तो अब कितने हो गए, 3। 3 कितने में से, 2 में से। तो आप इसे डायरेक्ट क्या करें, मल्टीप्लाई करें 3/2 से। ऐसे यहाँ पे आपका 1/3 किया था तो 3 में 1 बढ़ाया था, मतलब कितना हो गया, 4/3 हो गया। अब यहाँ पे 240 है, इसमें आपको पता है 1/4 बढ़ाया है, मतलब 4 पे 1 का इंक्रीमेंट है, यानी कि टोटल कितना हो गया, 5/4। बस कर दीजिए काटा पीटी, 6 × 24 ये हो गया 300, ये हो गया 3, 6, 6 × 24 240, ये हो गया 60 × 3 = 180। तो टोटल कितना हो गया, 300, 200, 500 और 20 यहाँ दे दोगे तो 200, 700 और 20 बचेगा 720। आपका आंसर आ गया इसका, 720 हैं अब आपके पास सेल करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्या पूछा था इसमें कि कार बी इज़ रनिंग ट्वाइस एज फास्ट एज कार ए, यानी कि कार बी जो है वो ए की दुगनी रफ्तार से चल रही है। इफ़ कार ए कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन 1.5 hours देन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार बी। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, मेंटली सॉल्व करेंगे तब भी सॉल्व है। आपको दिया है कि 1.5 घंटा मतलब 3/2 में कितनी जाती है, 90 किलोमीटर। तो आप कह सकते हैं कि भाई कितनी हो गई, 30 × 30 = 60, यानी कि कितनी स्पीड है इसकी, 60 km/h। और बी की जो है स्पीड इससे डबल है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 120 km/h। तो सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चंस तो जो है आप मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसमें पूछा गया था आपसे कि रीड द इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ध्यान से पढ़िए और सही आंसर का जवाब दीजिए। तो आपको क्या करना है, बाई वन आइटम फॉर ₹1599 एंड गेट वन फ्री, यानी कि 1599 की खरीद पे क्या गया, एक चीज़ आपको मुफ्त मिल रही है। आगे ऑफर बी में क्या है, बाई वन आइटम फॉर ₹999 एंड गेट अनदर एट 50% डिस्काउंट, यानी कि दूसरी पर क्या है, 50% का डिस्काउंट है अगर आप 999 में खरीदते हैं। तो आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए, ए इज चीपर एंड बी इज कॉस्टलियर, और ऑप्शन बी है ए इज कॉस्टलियर एंड बी इज चीपर, और सी आपका है कॉस्ट इज सेम इन बोथ केसेस एंड ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल, यानी कि दोनों तुलनात्मक नहीं है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको पहले जो आपको ऑफर ए दिया गया है, आपको कहा गया कि 1599 की अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, एक फ्री मिल रही है, यानी कि 1599 की खरीद पे आपको 1599 की चीज़
क्या मिल रही है? फ्री मिल रही है, यानी कि आप कह सकते हैं कि टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1599। कितनी वस्तुओं का? दो वस्तुओं का। तो दो चीज़ों का आपका क्या होगा, दो वस्तुओं का टोटल आपका जो है कितने में पड़ रही है, 1599 में। अब दूसरे ऑफर को देखते हैं, दूसरा ऑफर क्या कह रहा है, बाई वन आइटम फॉर ₹999 एंड गेट अनदर एट 50% डिस्काउंट। अब दूसरी पे क्या मिल रहा है, अगर 999 में आप चीज़ खरीद रहे हो तो अगली पे 50% का डिस्काउंट है। तो 50% का डिस्काउंट क्या है, अगली भी कितने की होगी, 999 की होगी, तो उस पर 50% का डिस्काउंट लगाओगे तो कितने की हो जाएगी वो। तो आप देखोगे कि भाई ये 1000 है, 1000 पे अगर 50% का डिस्काउंट लेके चलो तब भी कितने की बैठती है आपकी, ₹500 की। तो तब भी इनकी कीमत कितनी बैठेगी आपकी, 1499, बल्कि इससे कम ही बैठेगी। अब आप बताओ, यहाँ पे आपको दो वस्तुएं 1599 मिल रही हैं और यहाँ पे दो वस्तुएं आपको 1499 मिल रही हैं, तो आपका कौन सा जो है आपका कॉस्टलियर है और कौन सा आपका चीपर है? तो आप यहाँ से कह सकते हो ऑफर ए क्या है, कॉस्टली है, क्योंकि दो वस्तुएं 1600 में है और यहाँ दो वस्तुएं क्या है आपकी 1500 में है। तो ये ऑफर बी जो है वो आपका चीपर हो जाएगा और ऑफर ए कॉस्टलियर, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। तो बस इन बातों का आपको ध्यान रखना होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ। कह रहा है आपसे, अ मैन वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड ही डबल्स हिज स्पीड आफ्टर रीचिंग एग्जैक्टली हाफ वे, यानी कि 3 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है और आधा रास्ता आने के बाद क्या करता है, अपनी स्पीड को डबल कर देता है। डबल का मतलब 3 से कितनी हो गई, अब 6 हो गई है। तो ही वॉक्स फॉर 5 आवर इन ऑल, यानी कि वो 5 घंटे टोटल चलता है। तो आपसे पूछा है वट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हिम। अब देखिए यहाँ पर आपको दे दिया गया कि भाई आधा जो है वो 3 की स्पीड से है और आधा रास्ता जो है वो 6 की स्पीड से है। तो यहाँ पर आपको टोटल टाइम दे दिया गया कि भाई टोटल मिला के 5 घंटे चला। तो बस आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी थी और आपका आंसर आपके सामने होता। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, आपको पता है आधे आधे रास्ते की दी गई है, तो डायरेक्ट करेंगे 3 × 6 2ab होता है अपॉन a+b, यानी कि 6 और 3 9 हो जाएगा। तो इससे काट लेंगे 2 और ये 3 पूरा, यानी कि टोटल आ गया एवरेज स्पीड आपकी आ गई कितनी, 4। और एवरेज स्पीड आ गई और एवरेज टाइम, टोटल टाइम आपको दिया गया 5 घंटे। तो 5 घंटे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने किलोमीटर चलेगा ये, 20 किलोमीटर। यही था आपका इस क्वेश्चन का आंसर, और आपका ये आंसर आपके ऑप्शंस में नहीं दिया गया था, इसलिए इसमें थी आपकी इस क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी और ये सभी के लिए नेगलेक्ट कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या था इसमें कि इफ़ कॉस थीटा इक्वल टू 4/5 देन सेकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा, आपको बताना था इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आपके सिर्फ मेंटली सॉल्व करने के लिए होते हैं, क्योंकि कॉस थीटा आपको दिया क्या है, 4/5, और आपको पता है कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, किस टर्म में लिख सकते हैं हम इसे, आप इसे लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस या आधार बटे कर्ण के रूप में हिंदी वालों के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता है यहाँ से आधार आपको मिल गया, यानी कि बेस, आपको क्या परपेंडिकुलर चाहिए, लंब। तो आपको पता है ये ट्रिपलेट बनाते हैं, अगर ये 4 है ये 5 है तो जो आपका परपेंडिकुलर होगा या लंब होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और आपको पता है sec थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 1/cos θ, और cosecant थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 1/sin θ, या डायरेक्ट आप वैल्यू भी लिख सकते हैं इनकी। तो sec थीटा क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, तो इनकी वैल्यू उल्टी कर दीजिए, 5/4 हो गया। आपको पता है cosecant थीटा क्या हो जाएगा आपका, जस्ट साइन का उल्टा, या आपको पता है cosecant थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइपोटेनियस अपॉन आपका परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटे लंब। तो प्लस कितनी हो जाएगी, 5/3, बस इनको ऐड करना है, 5 × 3 = 15, 4 × 5 = 20 और 15 = 35/4 = 12 आपका आंसर आ गया, और यही था इस क्वेश्चन का आंसर, 35/12। तो ऐसे क्वेश्चन को तो आप कोशिश कीजिए मेंटली सॉल्व करने की, इन पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए और साथ ही ट्रिपलेट को याद रखने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। इसमें पूछा गया था आपसे कि इफ़ 3a = 2b = c देन a:b:c। तो ऐसे में क्या है, जब भी आपके साथ आपको कोफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई में कोई नंबर दिया गया है और उनका आपसे रेशो पूछा गया है, तो इसे आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो रेशो में जब भी जाएगा वो 1/ में हो जाएगा। यानी कि इसका रेशो क्या हो जाना चाहिए था, ए के साथ कितना है, 3 है, तो 1/3। बी के साथ कितना कोफिशेंट है, 2, तो ये 1/2। और सी के साथ 1 है, तो ये 1/3।
1/1, ये इनका रेशो जाना चाहिए था और यही आपको ऑप्शन में भी दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी में आपका सेम टू सेम यही था। अगर आपको पर्टिकुलर जो है रेशो निकालना था तो नीचे आपका रेशो का एलसीएम ले सकते हो, 6 से मल्टीप्लाई करते फिर आप, तो कितना हो जाता 2, 3 और 6। ठीक है, ये ऑप्शन में था नहीं तो आपका डायरेक्ट यही दिया था, तो यही क्या हो जाता आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता और ऑप्शन नंबर बी था इस क्वेश्चन का आंसर। और देखिए इसमें क्या होता है, जब भी मल्टीप्लाई में होगा तो 1/1 में आ जाएगा। अगर ये होता आपका a/3 = b/2 = c, तो आपके जो डिवाइड में होती है संख्या वो डायरेक्ट क्या होती है, वो डायरेक्ट रेशियो में चली जाती है, तो उनका सीधा सीधा रेशियो हो जाता 3:1 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये क्या आपका DI पे है और DI में भी बार ग्राफ पे आपका बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको कह रहा है कि बार ग्राफ में द बार चार्ट रिप्रेजेंट सेल ऑफ 4 कंपनीज C1, C2 एंड C3 इन मिलियंस, यानी कि मिलियंस में आपको चारों कंपनी का आपको दिया गया है जो इनकी सेल को रिप्रेजेंट करता है फॉर द ईयर 2012, 2013, 2014। ठीक है, और आपको 3 सालों का आपका दिया गया है। आपसे कह रहा है कंसीडर द बार चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट, यानी कि आपको इन पर बेस्ड आंसर देने हैं क्वेश्चन के। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। द रेशियो ऑफ कंबाइंड सेल ऑफ C1 एंड C4 इन 2013 एंड टू दैट ऑफ ईयर 2012, यानी कि 2012 के रेस्पेक्ट में आपको बताना है C1 और C4 की क्या कंबाइंड सेल कितनी है, उनका आपको रेशो बताना है एक तरीके से। तो देखिए सबसे पहले आप निकालते हैं 2013 में, तो 2013 में आपको किस किस का निकालना है, C1 और C4 का। तो देखिए C1 का कितना है आपको पता है, 2013 के लिए आप देख रहे हैं, तो 2013 वाला मिडल का आपका बार है, तो C1 के लिए कितना है 85 और C4 के लिए कितना हो जाएगा मिडल 110, तो जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 195। अब 2012 के लिए देखते हैं इनको, तो 2012 में क्या है, पहले वाला आपका बार है, तो पहले वाले के लिए C1 की कितनी है 95 और C4 की कितनी है आपकी 100, तो ये भी कितना हो गया 90, 195। तो आपको क्या करना है 195 / 195, 12 के रेस्पेक्ट में देखना है 13 का, तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है इसका 1, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी पे बेस्ड आपका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा था इसमें कि विच टू कंपनी शोज इंक्रीज इन देयर सेल फ्रॉम 2012 to 2013, यानी कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि 2012 से 2013 में किन दो कंपनियों की सेल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो 2012 क्या है, पहले वाला बार है आपका, और 2013 सेकेंड वाला बार है। तो देखिए ऑप्शन से सीधा डायरेक्ट करते हैं, आपको अगर C1 की देखते हो तो C1 की पहले से दूसरे में क्या हो रही है, घट रही है सेल, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अगर C2 को देखते हैं, C2 में भी पहले और दूसरे बार में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये भी आंसर नहीं है। तो देखिए C3 और C4 में ही आपको दिख रहा है कि पहले और दूसरे बार ग्राफ में क्या हो रहा है, आपका दोनों में इंक्रीज हो रहा है, तो आप डायरेक्ट कह सकते थे फिगर को देख के कि C3 और C4 ही क्या होंगे आपके आंसर होंगे इसके, क्योंकि इन्हीं दो कंपनियों को क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है आपका सेल। तो इस तरह से डायरेक्ट फिगर भी देख के आप आंसर दे सकते हैं जिस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा आपका इस पे बेस्ड तीसरा क्वेश्चन, आपके बार ग्राफ पे बेस्ड क्या पूछा गया है कि द कंबाइंड सेल ऑफ C2 इन 2012 एंड 2014, यानी कि C2 की सेल आपको बतानी है 12 और 14 में कंबाइंड, इज हाउ मच मोर देन दैट ऑफ C3 फॉर द सेम ईयर, यानी कि C3 के कंपेयर में आपको बताना है C2 की सेल कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए C2 को देख लेते हैं पहले, और 2012 में कितनी है और 2014 में, यानी कि पहले वाला बार ग्राफ और लास्ट वाला बार ग्राफ, तीन में से आपको बीच वाला नहीं देखना है। तो C2 भी देखिए, पहले में कितनी है 150, दूसरे में है 155, यानी कि टोटल कितनी होगी 305 सेल है आपकी। ठीक है, 305 क्या है, ये मिलियन में दिया गया है आपको। अब देखते हैं C3 की, C3 की पहले कितनी है तो 125 और बाद में कितनी है 135, तो टोटल अगर ऐड करते हैं तो कितनी हो जाती है आपकी 260। तो C3 की कितनी है 260। अब देखिए इंक्रीज़ कितनी है इसकी, आपको यहीं से दिख रहा है कि 45 इंक्रीज़ है।
ठीक है। और किस पे इंक्रीज है, 260, यानी कि C3 के रेस्पेक्ट में देखनी थी आपको, तो 260 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो 2 से काटेंगे 13 और ये जाएगा 5 बार, तो 45 पंजे कितना हो गया भाई, 225 डिवाइड बाई 13, तो सीधा सीधा ऐसे डिवाइड करो, 13 एकम 13, बच गया कितना आपका 9 95 13 97 91, तो 17 पॉइंट में ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो देखिए पूरा का पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जब आपको ऑप्शन दिए होते हैं तो आप ऑप्शन से भी अपने क्वेश्चन को जो छोटा कर सकते हैं, आप अपने सॉल्यूशन को तुरंत देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये मेरा ऑप्शन में है तो यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसमें पूछा गया था आपसे कि आर बोरोड RS 1200 एट 13% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 1200 जो है धनराशि 13% की साधारण ब्याज की दर पर क्या करता है, उधार लेता है, तो व्हाट अमाउंट विल आर पे टू क्लियर द डेब्ट आफ्टर 5 साल, यानी कि उसे अपना जो है 5 साल बाद कितना पैसा चुकाना पड़ेगा ताकि वो उस पैसे को जो उसने उधार लिया था उसे वापस कर सके। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या है, आप डायरेक्ट अपना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा कर कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या है थोड़ा एडवांस होना है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन से ही आप छोटा कर लिया कीजिए क्वेश्चन को। तो आपको 5 साल में निकालना है, तो 5 साल में अगर टोटल इंटरेस्ट निकालो तो कितने परसेंट लग जाएगा आपका, 13 की रेट से 5 साल में 13 बन जाए 65% इंटरेस्ट होगा। तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ कि 1200 का 65% निकाल लेता हूँ कितना होगा, तो देखिए डिवाइड बाय 100 करते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा 12 6 72 720 और 12 5 60, टोटल कितना आ गया 780 मेरा ब्याज आ गया, और 1200 मुझे देने हैं और साथ में ब्याज भी देना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 1980, क्योंकि 1200 आपको देने थे और 720 ऐड कर दिए तो टोटल 1980 रुपये आपको देने हैं, और आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, सी इसका करेक्ट हो जाता। तो इस तरीके से जो है थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश किया कीजिए चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसमें क्या पूछा गया आपसे कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 11, 7, 10, 13 and 9 का, आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी निकालना है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता हो जाना चाहिए, क्या है सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार और इसका स्क्वायर होल स्क्वायर और डिवाइड बाई एन, और यहाँ पे एक्स आई कहाँ से कहाँ तक है, आई वन से लेके एन तक आपका चलता है, मतलब जितने भी टर्म होती हैं आपके उनके लिए आई चलता है, यानी यहाँ पे कितने टर्म दी गई है, 5 टर्म है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, x1, x2, x3, x4, x5 और ये आपकी 5 टर्म की वैल्यू हो जाएंगी। यहाँ पे x बार है आपका मीन, यानी कि एक तरीके से इनका औसत, और यहाँ पे n है टोटल संख्या है, जितनी संख्या आपको दी गई होंगी। तो देखिए डायरेक्ट करते हैं अब यहाँ से, तो आप x बार निकालना पड़ेगा, सबसे पहले औसत निकालना पड़ेगा कितना आएगा। तो देखिए अगर देखते हैं आपको जो डाटा दिया गया है, 13 और 7 कितने हो गए 20, 11 और 9 कितने हो गए 20 और 1 10 हो रहे हैं, यानी कि टोटल 50, और औसत कितना आ गया, 5 संख्याएँ तो औसत आ गया 10, यानी कि x बार आ गया आपका 10। अब आपको क्या करना है, x 1 में से 10 घटाना है, यानी कि पहली संख्या में से 10 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 11 में से 10 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर आपको 7 में से 10 घटाना है तो -3 -3 का स्क्वायर करोगे तो 9, फिर अगला है 10, 10 में से 10 गया 0 तो ये तो 0 हो गया, फिर आगे है 13, तो 13 में से 10 जाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, और फिर लास्ट में आपका 9, 9 में से 10 गया -1 का स्क्वायर 1 और डिवाइड बाई एन, ठीक है, और इसका भी क्या है आपका अंडर रूट है, तो 9 और 9 18 और 2 20 और n कितनी है टोटल 5, तो 20/5 कितना हो गया आपका 4, तो अंडर रूट में 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और यही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है, इसकी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू। तो बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूले में किसकी क्या वैल्यू होती है वो भी याद होनी चाहिए, तभी जो है आपका आंसर करेक्ट हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसमें क्या पूछा गया था आपसे कि क्यू परचेज अ टेबल फॉर RS 1300 and 13,500 एंड सोल्ड इट फॉर RS 11,000, तो आपको बताना है व्हाट इज हिज लॉस परसेंटेज, यानी कि आपको हानि प्रतिशत बताना है कितना हानि होगा। तो ये तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से कि 13,500 में खरीदी है और कितने में बेच रहा है भाई, 11 में बेच रहा है, तो लॉस कितने का है आपको दिख रहा है सीधा सीधा 2500 का लॉस है, और 2500 का लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना था आपका
13,500। तो इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और परसेंटेज के लिए 100, तो 135 और यहाँ पे आपका 2500, तो 5 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 27, ये आ गया आपका 500। और 500 को अगर 27 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 27 हो गया आपका कितना, 230, क्योंकि 23 बचेगा, और 230 को अगर 27 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है आपका, तो कितनी बार जा सकता है 27 से, अगर 8 × 2 = 16 और 8 × 7 = 56, बिल्कुल 9 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 बार चल सकता है। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 × 2 = 16 और 56 जोड़ते हैं तो कितनी हो जाएगी, 216, कितना बच जाएगा, अभी भी 14 आपका शेष रहता है, तो क्या आ जाएगा फिर, पॉइंट 140 हो जाएगा, और 27 × 5 = 135 होता है, तो कितना आ जाएगा समथिंग 18.5 के आसपास आपका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो इसलिए क्या था, इस क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी थी और इसे नेगलेक्ट कर दिया गया था सभी स्टूडेंट के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका आंसर सही आना चाहिए, ऐसा नहीं करना है कि आप कोई भी ऑप्शन को लगा के आएँ, क्योंकि ये गलत था, तो आप किसी भी ऑप्शन को लगाते तो ये नेगलेक्ट हो ही जाना था क्वेश्चन आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसमें पूछा गया था आपसे कि अ स्क्वायर ग्राउंड इज़ टू बी कवर्ड बाय अ प्लांटिंग 100 सैपलिंग्स ऑन ईच साइड। सैपलिंग्स मतलब छोटे छोटे पौधे लगा के, 100 पौधे लगाए जाते हैं आपका क्या है, ऑन ईच साइड, हर तरफ आपके एक स्क्वायर ग्राउंड को कवर करने के लिए। तो आपको बताना है कि हाउ मैनी सैपलिंग्स आर नीडेड इन ऑल, यानी कि पूरे जो आपका स्क्वायर ग्राउंड है पूरे को कवर करने के लिए कितने कुल पौधे आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको पता है कि जो स्क्वायर है आपका सभी साइड इक्वल, ठीक है। अब आपको पता है 100 यहाँ पे आप लगा चुके हो एक साइड पे, ठीक है, 100 आपने यहाँ लगा दिए सामने। तो अब देखिए यहाँ पे ये वाला कोना तो फिक्स हो गया, यहाँ पे भी आपका पौधा है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये दो कोने अगर छोड़ोगे आप तो बचे हुए कितने हो जाएंगे आपके, दो पेड़ छोड़ दोगे तो आपके 98 यहाँ लगेंगे और 98 यहाँ लगेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 396। ऐसा मत कीजिएगा कि 100 से आप मल्टीप्लाई करते 4 को, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं सेम टू सेम होती हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत। तो आंसर कितना है इसका, 396। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसमें पूछा गया था आपसे कि पी कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, यानी कि पी 10 दिनों में काम कर सकता है। उसके बाद कह रहा है क्यू कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, यानी कि क्यू उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो इफ़ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, यानी कि दोनों ने 5 दिन तक साथ काम करते हैं, तो हाउ मच ऑफ द वर्क विल दे कम्प्लीट, यानी कि उन्होंने कितना काम का हिस्सा पूरा कर लिया है, ये आपसे पूछा गया है। तो सिंपल क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, 10 और 15 में करते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 30, 10 × 30 और 15 × 30, ये हो गया इनका एक एक दिन का दोनों का काम, और कुल काम कितना हो गया आपका 30, यानी कि 30 काम करना है, और रोज़ दोनों मिलके कितना काम करते हैं, 3 × 2 = 5, तो बताओ 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने 5 दिन साथ काम किया है, तो हो जाएगा आपका 5×5 = 25, 25 काम हो चुका है कितने में से, 30 में से, तो यही आपका किया हुआ काम है, तो कितना हो जाएगा ये 5×5 = 25 और 5×6 = 30, यानी कि 5/6 काम आपका कंप्लीट हो चुका है, तो इसका मतलब ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें कंप्लीट पूछा गया कितना कंप्लीट हो गया, ना कि इसमें कितना शेष बचा है, तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसमें पूछा था कि आपसे यू वेंट टू बाय 3 आर्टिकल्स वर्थ ₹500 ईच, यानी कि आप क्या 3 वस्तुएं खरीदने गए और हर एक वस्तु की कीमत कितनी है, 500 रुपये है। हाउएवर एज पर द डिस्काउंट सेल गोइंग ऑन इन द शॉप, क्या है यू पेड फॉर 2 एंड गेट 1 फ्री, यानी कि जो डिस्काउंट चल रहा है वहाँ पे दुकान में उसकी वजह से क्या होता है कि आप 2 खरीदते हो और एक आपको मुफ्त मिल जाती है। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द डिस्काउंट परसेंटेज इन द डील, यानी कि आपसे ऐसे डिस्काउंट पूछा गया कितना डिस्काउंट आपको मिला है। तो देखिए सीधा सीधा सा क्वेश्चन है आपका, करने का तरीका भाई 500 रुपये की एक चीज़ है आपकी, तो 3 खरीदनी है आपको, तो कितने की आनी चाहिए थी आपके हिसाब से, आपको 1500 रुपये आपको वहाँ पर देने थे, लेकिन क्या हुआ एक आपको मुफ्त मिल गई 2 की खरीद पे, यानी कि आप 3 खरीद लाए कितने में, 1000 रुपये में,
क्योंकि आपने सिर्फ दो के ही पैसे दिए हैं, एक तो आपको मुफ्त मिल जाती है, तो दो की कीमत कितनी हो गई, 1000 रुपये। यानी कि अब ये क्वेश्चन ये बन गया कि 1500 की चीज़ आप कितने में ख़रीद रहे हो, 1000 रुपये में ख़रीद रहे हो, तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, 500 का डिस्काउंट मिल रहा है। और ये 500 का डिस्काउंट मिल किस पर रहा है, 1000 पर नहीं, 1500 की खरीद पर मिल रहा है। तो आप कह रहे हो कि 500/1500 और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो 15 से अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा, 15 * 3 = 45, और 15 फिर 5 बचेगा, 15 * 3 = 45, तो आपका 33.33% क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर बार 5 आपका बचता रहेगा और वो 50 * 15 * 3 = 45 चलता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसमें पूछा था आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला कि a - b² + 2ab क्या होगा। तो सभी को पता है कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab होता है, और +2ab करना था तो ये कैंसिल, आपका सीधा सीधा आंसर बचता a² + b². तो ये तो ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको कुछ नहीं करना था, ना ही सोचना था, डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते थे अपना, a² + b² आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है वहाँ +2ab आता है और वहाँ -2ab आएगा जब होल आप जो है a - b का होल स्क्वायर खोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसमें पूछा था आपसे कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन अ सर्टेन अमाउंट, यानी कि एक निश्चित धनराशि पर जो आप साधारण ब्याज प्राप्त करेंगे, एट द रेट ऑफ 12%, यानी कि 12% की आपकी दर है, फॉर 6 साल एंड दैट फॉर 12 ईयर्स, यानी कि एक 6 साल के लिए वही निश्चित धनराशि लगा रहे हैं और एक 12 साल के लिए वही निश्चित धनराशि लगा रहे हैं, और रेट दोनों में सेम है आपका कितना, 12%। तो आपको पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में आपका इंटरेस्ट हमेशा सेम मिलता है, तो जो 6 साल में मिलेगा और 12 साल क्या हो रहा है, उसका डबल है टाइम पूरा का पूरा, तो आपको ब्याज भी कितना मिलेगा, डबल मिलेगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से कह सकते थे बिना सॉल्यूशन करे कि इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा, और यही था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सिर्फ सोच के ही सॉल्व करना पड़ेगा अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चन ए शिफ्ट में पूछे गए क्वांट से, जो डिफरेंट आपके चैप्टर से पूछे गए थे इनका क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको जो है इनका सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा सभी क्वेश्चंस का, और अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चंस में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी चीज़ सीख सकें कि आप कैसे ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपने एग्ज़ाम में टाइम को सेव कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अटैम्प्ट तो अटैम्प्ट, आपको सारे क्वेश्चन सही भी अटैम्प्ट करने हैं एग्ज़ाम में अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपके आते हैं। दोस्तों आप अगर आपने अब तक हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाली अपडेट मिलती रहे कि कब हमारी नेक्स्ट वीडियो या कोई भी नोटिफिकेशन अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड आता है तो आपको मिल जाए। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अपने अगले सेशन में, और देखेंगे आपके लिए कौन सा शिफ्ट का हमारा अरबी का पेपर लेके आते हैं, और उसका सॉल्यूशन देखेंगे अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Thank you.